सो वेलकम बैक इन द क्लास स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने लेसन नंबर थर्ड, इसी लेसन के जो एक्सटर्नल क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको एक्सप्लेन मैंने किया था। अभी फ़िलहाल ये इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको मैं आपके सामने जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपको नोटबुक पे भी आप कर सकते हो और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले, हाउ इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड, हाउ इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड, यानी कि जो स्टेट का जो गवर्नर होता है उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, मीन्स उसको नियुक्त कौन करता है, उसको नियुक्त करती है सेंट्रल सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो अपॉइंट होगा। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ओके। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू नो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर्स, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स टू रन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। राज्य सरकार की बात करें, जो उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट और जो मंत्री होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किन पे होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री पर और जो उसके साथ में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर। नंबर थर्ड, हाउ विल यू डिफाइन ए लेजिस्लेटिव असेंबली, आप लेजिस्लेटिव असेंबली को कैसे परिभाषित करोगे, या मैं यूँ कह दूँ कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, या हिंदी में यूँ कह दूँ कि विधानसभा क्या होती है। ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस वेयर ऑल द MLAs फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एज वेल एज द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। ए लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, एक विधानसभा हिंदी में कह देते हो, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारे MLA, स्टेट के जो सारे MLA होते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों। रूलिंग पार्टी मतलब जिसकी सरकार है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के जो होते हैं वहाँ मिलते हैं और वहाँ पे बहुत सारी बातों पे डिस्कस होती है और उनकी डिबेट भी होती है। नंबर फोर, डिफाइन द टर्म गवर्नमेंट, सरकार टर्म को, जो सरकार का जो वर्ड है गवर्नमेंट वर्ड, उसको डिफाइन करना है। रेफर टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर हु हैड देम, गवर्नमेंट का मतलब होता है जो उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनसे और उनके मंत्री और उनके हेड्स, जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, ये सब मिलकर एक सरकार बनती है। नंबर फाइव, हु इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, यानी कार्यपालिका का हेड कौन होता है, द चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो देखिए, राज्य सरकार की हम बात करें, स्टेट के ऊपर बात करें, तो जो कार्यपालिका का हेड होता है वो मुख्यमंत्री होता है। नंबर सिक्स, व्हाई डिड द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ फॉर हेल्थ विजिट तालपुरम डिस्ट्रिक्ट। देखो, इस चैप्टर के अंदर जो चीफ मिनिस्टर था और मिनिस्टर थे, वो दोनों ने पतालपुरम जिले का विजिट दौरा किया था। वो क्यों किया था, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है। दे वेंट टू द विजिट फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ डायरिया, दे आल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल्स। वो लोग जो मंत्री और मुख्यमंत्री उन लोगों से मिले थे जिन्होंने अपने रिश्तेदार डायरिया के कारण, डायरिया की बीमारी के कारण खो दिए थे, जिनका देहांत हो गया था, तो उनकी फैमिली से वो मिले थे और हॉस्पिटल को भी उन्होंने विजिट किया था। नंबर सेवन, वाई आर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड, तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, क्यों किया गया था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज टू डिस्कस वेरियस करंट इशूज़, जो मुख्य, जो अभी वर्तमान के अनुसार जो करंट, जो समकालीन मुद्दे थे, उन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए वहाँ पे चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रेस को कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज, जहाँ मिनिस्टर ने सबको उसके बारे में अवगत कराया था या उसके बारे में बोला था। नंबर एट, व्हाट डू यू नो अबाउट ए वॉलपेपर, वॉलपेपर से आपका क्या मतलब है। वॉलपेपर बिल्कुल सिंपल वर्ड है और मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया भी है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा। ये वॉलपेपर इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन ऑन पार्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। वॉलपेपर एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कैन बी डन, जिस पर रिसर्च की जा सकती है पार्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, जिस
टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके ऊपर वॉल पेपर बनाया जा सकता है और उसके अंदर वो हेल्प भी करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो इंक्लूड कर सकते हैं उसके अंदर। नंबर 9, व्हाई डू पीपल इन डेमोक्रेटिक सेटअप ऑर्गेनाइज मीटिंग्स, व्हाई डू पीपल इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप ऑर्गेनाइज मीटिंग्स। तो डेमोक्रेटिक के अंदर लोग बहुत सारी सभाएँ ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, उनका सेटअप क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है, दे डू सो टू वॉइस देयर opinions and protest against the government if any of its action is not in the their favor. तो लोग डेमोक्रेसी के अंदर या डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सभाएं या मीटिंग्स आंदोलन इसलिए करते हैं कि वो प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं अगर कोई ऐसा कानून आ गया जो उनके खिलाफ जा रहा है या उनसे उनका नुकसान हो रहा है या उनकी बात सुनी नहीं जा रही। वो अपना बातचीत भी लोगों के सामने या सरकार के सामने रखने के लिए मीटिंग्स वगैरह करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। नंबर 10, द गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स, नेम देम। सरकार 3 चरणों में काम करती है पूरे देश के अंदर, उनके नाम बताने बहुत ही सिंपल, मैंने बहुत बार डिस्कस किया इसके बारे में चैप्टर के अंदर। तो 3 लेवल हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। ये देखो जो नेचुरल लेवल लिखा है ये थोड़ा रॉन्ग है, ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कह दूँ कि ये जो उन्होंने लिखा लोगों ने ये गलत है, इसकी जगह सेंट्रल लेवल जो है वो आएगा, सेंट्रल लेवल। ठीक है, मैं यहाँ से ढंग से लिख नहीं पाया लेकिन सेंट्रल लेवल आप ये समझ लीजिए, नेचुरल लेवल नहीं है, सेंट्रल लेवल है। ओके, सो अभी ये आपके थे वेरी शॉर्ट आई 500 क्वेश्चंस हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँगा नेक्स्ट डे, तो उसके अंदर अपने शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल आप इन्हीं जो 10 क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट हैं इनको नोटबुक पे भी आप उतार लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए और इनको दोबारा 2-4 बार रीड भी कीजिए ताकि आपको और अच्छी तरह से इसको समझ में जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।